अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अदनान है। वेलकम करता हूँ आपके प्रचार राजोलैंड पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने वायरल कंटेंट जो भी आप शॉर्ट्स पे काम कर रहे हो उसके ऊपर आपने पूरा टाइटल किस तरह से सर्च करना है। एग्जांपल तौर पे मैंने यहाँ पे डॉग शॉर्ट्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, ये आपके चैनल की सबसे पहले SEO भी हो जाएगी और जो भी छोटी मोटी मिस्टेक होती हैं, कोई भी ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, वो सारे ये हमारा टाइटल ही कवर कर देगा, ठीक है। हम इसके ऊपर करते हैं दिस वन वीक, ठीक है, एक हफ्ते के ऊपर कि इस टॉपिक पे ऊपर कौन सा कीवर्ड सर्च हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे एक हफ्ते के आ गया। उसके बाद हमने दोबारा फिल्टर पे क्लिक करना है। ये मोबाइल में भी ऑप्शन होता है, ऊपर तीन डॉट बने होते हैं जब यूट्यूब आप ओपन करते हो ना, तो उसके ऊपर, तो वहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं व्यू काउंट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये देखें माई डॉग्स स्टॉपेड ऑन भी जो भी है ये देख ले, जो जिसके ऊपर ज़्यादा व्यूज़ होंगे ना, ये वो वीडियोस आ जाएंगी जो ज़्यादा कीवर्ड्स रैंक हो रहे होंगे, तो वही इसके अंदर आएंगे, ठीक है। आपने इसमें बस यही देखना है कि शॉर्ट्स में जो ये टाइटल है, क्यूट डॉग हो गया, फनी डॉग हो गया, इस तरह के आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं। तो बेहतर ये होगा कि एक बार तो आप इधर देख लें, आपको आइडिया भी हो जाएगा। और यहाँ पे डॉग इज ग्रेट, डॉग इज शॉर्ट्स, तो यहाँ पे ये टाइटल है, ठीक है। तो ये सारा कुछ इसके अंदर है। कैट्स के ऊपर भी सर्च करेंगे आ जाएंगे, फनी के ऊपर भी, टिकटॉक के ऊपर फनी डॉग। तो इस तरीके का टाइटल आपने उठा लेना है और अपने एक ही वीडियो पे सेम टाइटल दे देना है, ठीक है। वो आपका चैनल जो शॉर्ट्स पे अपलोड कर रहे होंगे वो मोनिटाइज नहीं होगा, ठीक है। वो मोनिटाइज 28 दिन के बाद जाके आप कर सकेंगे, जब आप सारी वीडियो डिलीट कर देंगे, एक मंथ के लिए चैनल को छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि YouTube देखता है ना कि 28 दिनों में क्या कुछ हुआ है, तो वो डाटा आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप आसानी के साथ अपनी वीडियो डाल के वॉच टाइम पूरा करके उसको मोनेटाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये टोटली इस तरीके से आपने कीवर्ड्स निकाल लेना है। तो मैं यहाँ पे आपको एक बता देता हूँ कि आपने चैनल को वेरीफाई किस तरह से करना है और उसमें 100 वीडियोस किस तरह से अपलोड करनी है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ YT स्टूडियो में। आपने शॉर्ट्स वीडियो के ऊपर चैनल की SEO की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, टैग्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास PC है तो आपने डायरेक्ट आ जाना सेटिंग में, मोबाइल है तो मोबाइल में भी आप गूगल क्रोम डेस्कटॉप मोड में ऑन करेंगे तो इस तरह से आपके पास आएगा, ठीक है। यहाँ पे चैनल पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ओरिजिनल के लिए बनाया था, ये बस फर्जी वैन लगा दिए थे, फिर मैंने शॉर्ट्स पे काम शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एडवांस सेटिंग पे आ जाएं, यहाँ पे देख लें कोई सेटिंग नहीं की हुई, बस सब्सक्राइबर हिडन की हुआ है। तो ये जो फीचर है ना, तो ये पहला तो हो जाएगा आपको जब फ़ोन नंबर अपना वेरीफाई करेंगे उसके, ठीक है। तो दूसरा जो होगा फीचर, ये आपका फेस कैम जो है उसके साथ वेरिफिकेशन करता है। तो मेरा यहाँ पे अनेबल है क्योंकि मैंने वेरीफाई किया है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ईमेल जाएगी, ठीक है, जिसके ऊपर चैनल बना होगा। तो आपने उस जीमेल को ओपन करना है, वहाँ पे लिंक होगा, क्लिक करेंगे तो सामने आपका फेस आ जाएगा, कैमरा ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो वहाँ पे आपने यूट्यूब को अपना फेस दिखा के इसको वेरीफाई कर लेना, तो आपकी 100 वीडियो आसानी के साथ अपलोड होंगी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, बाकी आपने अगर एक ही टाइटल लगाना हो तो यहाँ पे अपलोडिंग पे आ जाना है। तो यहाँ पे मेरी डिस्क्रिप्शन जिस तरह की लिखी हुई थी, ये ओरिजिनल के लगाए थे कीवर्ड, तो वो मुझे ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो शॉर्ट्स में हमें ये ज़रूरत ही नहीं होती। कोई भी आपका टाइटल है, एग्जाम्पली तौर आप ये पीछे से ढूंढ के आए हो, यहाँ पे सेव कर लें, ठीक है। जैसे ही सेव करेंगे तो पीछे अपलोड करेंगे, टाइटल लगाने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एक ही टाइटल जो है आपका रैंक हो जाएगा और कीवर्ड्स पे अच्छे सब्सक्राइबर आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जिस तरह से किया हुआ है, यहाँ पे देख ले जितने भी वीडियोस हैं सबके ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं। ये मैंने कल अपलोड किए थे लेकिन आज मैं इसके ऊपर कोई चीज़ अपलोड नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो सारी एक ही है, बस व्यूज़ देख लें। हाँ, अगर थंबनेल ऊपर कोई लगा देता या कुछ कर देता वो अच्छा काम हो जाता, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये चैनल बनाया था, बाकी इसको मोनेटाइज करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, ठीक है। ये बस सब भाइयों की मदद हो जाए तो इस वजह से ये मैंने अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पे बाकी कोई चीज़ हो गई तो आपको बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता दूंगा कवर किस तरह से बनाना है, प्रोफाइल किस तरह से लगाने है। जो भी आप चैनल बनाएं, सिर्फ 4 से 5 दिन लगातार एक ही टाइम रख के वीडियो अपलोड करें,
इंशाल्लाह आपको रिजल्ट भी मिलेगा, किसी की मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, और भी बहुत से काम की चीज़ें होंगी जो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।